शिवपुरी के पिछोड़ न्यायालय के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट रोहित रघुवंशी ने राशन की कालाबाजारी के मामले में आज पिछोर के भाजपा जिला मंत्री के पति सहित तीन लोगों को दोषी मानते हुए एक साल की कैद सहित 3,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी ADPO राकेश रोशन ने की थी। अभियोजन के मुताबिक 17 नवंबर 2010 को प्रशासन की टीम ने शरद कोठारी के गोदाम में लीड संस्था खनियान थाना का PDS गेहूँ 676.54 क्विंटल और पिछोर मंडी प्रांगण में 1407.89 क्विंटल गेहूँ बरामद किया था। यह गेहूँ राशन की दुकानों पर वितरित होने जाना था। इस मामले में खाद्य विभाग ने लीड संस्था खनियान थाना प्रबंधक के राजोरिया ओम प्रकाश पुत्र कौशल चंद्र जैन निवासी जैन मंदिर के सामने पिछोर अध्यक्ष जिला थोक उपभोक्ता भंडारण शिवपुरी और बालकृष्ण पुत्र जगन्नाथ प्रसाद रावत निवासी नवाब साहब रोड हरिजन थाने के सामने के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। पूरे मामले में सुनवाई के बाद पिछोर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को एक साल की कैद और 3,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यहां बता दें कि आरोपी के राजौरिया निवासी चांदनी चौक पिछोर खुद एडवोकेट होने के साथ भाजपा जिला मंत्री पूनम राजौरिया के पति हैं।